नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे फूल के बारे में जो कभी नहीं मुरझाता। यह दोस्तों प्राकृतिक फूल है, ये वर्षों तक नहीं मुरझाता। इसको आप अपने घर में रखिए, आपका भाग्य बदल जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, रेड कलर का बटन है इसे दबाकर आप सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसा कौन सा फूल है जो कभी नहीं मुरझाता और प्राकृतिक होता है। निश्चित ही यदि आपको अपने जीवन को बदलना है तो आपको अपने आसपास की वस्तुओं, तस्वीरों, खिड़की, दरवाजे की दिशाओं और खुद के पहनावे पर ध्यान देना होगा। नकारात्मक जगह, घर और वस्तु से बचना जरूरी है। खैर, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक ऐसा फूल के बारे में जिसके बारे में आपको अभी तक ना ही सुना होगा और ना ही देखा होगा। ये फूल सिर्फ दक्षिण भारत में पाया जाता है। दोस्तों, तो कभी दक्षिण भारत जाए तो वहाँ से फूल ला सकते हैं। इस फूल की खासियत ये है कि एक तो ये लकड़ी का फूल होता है, ये आम फूलों की तरह कोमल नहीं है बल्कि सख्त है। इसे आप थोड़ी देर पानी में रखेंगे तो ये पूरी तरह से खिल जाएगा। फिर आप इसे किसी गुलदस्ते में रख सकते हैं। जैसे जैसे ये सूखता है वैसे वैसे ये अपनी पंखुड़ी को बंद करते रहता है। माना जाता है कि ये चमत्कारी फूल है, ये बरसों तक ऐसे ही चलता है। इसे पानी में रखें तो ये फिर खिल उठेगा और इसकी पंखुड़ी किसी लकड़ी जैसी लगती है। जिस भी घर में ये फूल होता है वहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा आती है। दोस्तों, सकारात्मक ऊर्जा आती है, साथ ही आपका दुर्भाग्य को ये फूल भाग्य में बदल देता है। लेकिन इस फूल का मिलना अति दुर्लभ माना जाता है। हालांकि दक्षिण भारत में ये आसानी से मिल सकता है, तो आप अगर दक्षिण भारत कभी भी जाते हैं या कोई आपके जानने वाले रहते हैं तो आप उनसे मंगा सकते हैं। ये फूल वहाँ मिल जाएगा आपको, लकड़ी का फूल जो कभी नहीं मुरझाता। तो इसको लाए अपने घर में रखें और नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, घर में जो है एक खुशी का माहौल होगा। तो आपने घर में रखिए इस प्राकृतिक फूल को, जब कभी इसे जो है पानी में रखेंगे तो ये खिल जाएगा और पानी से बाहर निकाल के आप गुलदस्ते में रख दीजिए। फिर कुछ दिनों के बाद फिर जो है जिसकी पंखुड़ी अपने आप बंद हो जाएगी तो फिर उसको पानी में रख दीजिएगा। तो इस तरह से आप करते रहिए और ये कभी नहीं ख़राब होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैंने ये जो जानकारी दी है ये ज़रूर आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।